किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। साथियों, अब यदि आप यह सोच रहे हों कि मैं छत्रपति महाराज शिवाजी की बात कर रहा हूं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज एक दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में इस देश ने हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे भारत में जो सीमा के पास सटे हुए गांव थे उनको संज्ञा दी जाती थी यह भारत के सबसे अंतिम गांव है, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज सीमावर्ती इलाकों में भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि भारत के वह गांव आज भारत के आखिरी गांव के रूप में नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में वह जाने जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार पास्ट में लंबे समय तक महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए मात्र इस पर विचार किया जाता रहा है, पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस देश की नारी शक्ति सेना से लेकर संसद तक हर भूमिका में देश के विकास में साझेदार बन रही है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हम सबके उत्साह वर्धन के लिए निकाला। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से नेवी के हमारे सेलर्स में एक नई उमंग और उत्साह भरने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस नेवी डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री एकनाथ शिंदे, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र।
नौसेना दिवस आणि छत्रपती